नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। विकास कार्यों के लिए शासन के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान का चुनाव करवाया जाता है और उन जीते हुए ग्राम प्रधानों के द्वारा गांव के विकास के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन ग्राम प्रधान ग्राम की विकास कराने की बजाय खुद के विकास करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसके चलते विकास के लिए आए हुए निधि की जमकर लूटपाट करते हैं। ऐसा ही एक मामला करंडा ब्लॉक के माहेपुर ग्राम सभा का है, जहां पर वर्तमान ग्राम प्रधान और कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक शपथ पत्र जिला अधिकारी गाजीपुर को दिया गया, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान जयनाथ यादव पर सरकारी अभिलेखों व योजनाओं में हेराफेरी कर सन 2011 से 2015 तक 77 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए वर्तमान प्रधान ने RTI के द्वारा आई सूचना भी उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 48 लाख रुपए का गबन का मामला साबित होता है। पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए जिलाधिकारी गाजीपुर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच के लिए गांव में भेजा। कमेटी के द्वारा भी गांव पहुंचकर आरोप में चिन्हित किए हुए स्थानों की बारीकी से जाँच किया। जाँच के दौरान प्रथम दृष्टया गबन का मामला साबित होता प्रतीत हो रहा है। एक पूर्व प्रधान जयनाथ यादव, इससे पहले 5 साल पहले वो जो कार्य किए थे उसमें पूरे 77 लाख का घोटाला किए थे और उस घोटाले की जांच थी और ये साहब लोग जांच किए हैं। अब देखें कि ये लोग क्या करते हैं। कैसे आपको पता चला कि इस तरह में इन्होंने घोटाला किया है? हमने राज सूचना द्वारा मांगा था, जन सूचना के द्वारा, और फिर मुझे मिला लखनऊ से जा कर के 3 साल पहले, उसमें 48 लाख का घोटाला मिला। इसके बाद हमने वेबसाइट से निकलवाया प्रिया सॉफ्ट और उससे, तो उसमें और खुलासा मिला। और जब मैं प्रधान हुआ तो इसके बाद हमें कुछ सचिव द्वारा मिला, हमें EMB और ये सब, उसमें हमें पता चला कि इन्होंने 77 लाख रुपए का घोटाला किया है और 52 लाख रुपए का जिसमें कि मनरेगा का काम है और 32 लाख रुपए और राज्य वित्त और दशम वित्त ग्राम निधि का आया हुआ था और 6,24,000 रुपये के करीब में पूर्व प्रधान मुकुंद यादव ने इनको छोड़ रखा था, इसलिए ये सब मिल करके 77 लाख रुपया होता है। और इसमें ये हमारे जहाँ तक उम्मीद है कि 2-3 जगह काम किए हैं, वो किए हैं 3 से 4 लाख रुपए का, बाकी सब घोटाला ही घोटाला है। ग्राम प्रधान के द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी के बालाजी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो तत्कालीन प्रधान के विरुद्ध जांच की शिकायत प्राप्त हुई है और इसको मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही इसमें जांच अधिकारी और तकनीकी अधिकारी को भेज के जांच रिपोर्ट प्राप्त कर लिया जाए। हमें विश्वास है कि ये 1 सप्ताह या अंदर 2 सप्ताह के अंदर ये जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। MMC न्यूज़ के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।